जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय एक से लेकर अध्याय तीन तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हैं। तो आपसे छोटा सा निवेदन, श्री श्रावण मास महात्म्य के साथ साथ श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। श्री शिव महापुराण की कथा को श्रावण मास में सुनने से भगवान शिव की बड़ी ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो श्री शिव महापुराण की कथा को भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाया जा रहा है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी से कहा है, हे सनत कुमार जी, धारण पारण व्रत को मैं आपसे कहूंगा, उसे आप श्रद्धा से सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करे। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर जी की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करके रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात्रि काल में श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करें और रात्रि में भगवान के पवित्र मंगलमय नामों का जाप करके रात्रि संकीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। सुबह को अग्नि रख कर हवन करें। त्रियंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति देवें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात इस मंत्र से धृत तथा चावल की आहुति देवें। षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देवें। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। हे मुनिवर, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की आप विधि सुन लीजिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा और जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृष ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम करके विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है, इससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। 100,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। हे मुनिवर, श्रावण मास के स्वामी देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उन गौरीश की 100,000 बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प करके रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3,000 बत्ती से आरती करें। अंतिम दिन 13,000 बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव भगवान का अर्चन करके कथा सुनें। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से कहा है, हे देव,
हे प्रभु, मुझ पर दया करके इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को पहले किया है तथा इस व्रत की उद्यापन की विधि कौन सी है, ये सब आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। इस समय हम आपके शरण में हैं। भगवान शिव शंकर ने सनत कुमार जी के ये वचन सुनकर कहा है, हे ब्रह्मा पुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति, सुख संपत्ति, समृद्धि को देने वाला है। यह व्रत भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिव लोक को प्राप्त करवाने वाला है। तीनों लोक में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत कोई भी नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा आपसे कहते हैं, इसको आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनिए। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या रहती थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया, उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। इस तरह उस सुगंधा ने बहुत से प्राणियों को लूटा था। उस वैश्या के शरीर की सुगंध एक कोस तक सुगंधित होती रहती थी। हे ऋषिवर, पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की बड़ी ख्याति थी। नीच कार्य में रम्भा आदि देवांगनाओं का वो अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। हे मुनिवर, एक समय की बात है, कौतुकवश किसी समय वह वैश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबान को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई है। वहां उसने सब ओर ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न थे, कुछ जप में लीन थे, कुछ भगवान शिव का अर्चन और कुछ भगवान श्री हरि विष्णु के अर्चन में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सबों के मध्य ऋषि वशिष्ठ जी को उस वैश्या ने देख लिया। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। उसका मन धर्म में लग गया, जीवन तथा विषयों से उसका मन हट गया। वह वैश्या विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बारंबार उनके चरणों में प्रार्थना करने लगी है और अपने पापों के नाश का उपाय पूछने लगी है। सुगंधा नाम की उस वैश्या ने कहा है, हे अनाथों के नाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश्वर, मैंने अपना सारे जीवन में बड़े पाप किए हैं। हे मुनिवर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे ऐसे घोर पाप किए हैं कि जिनको बतलाया भी नहीं जा सकता। हे प्रभु, आप कृपा करके उन संपूर्ण पापों के नाश का कोई उपाय कहिए। हे ऋषिवर, किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि उस समय दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण करके उस वैश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा है, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रैलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी, तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी आगे सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, इस तरह सारी विधि सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशी में आई है, अर्थात वाराणसी में आई है। वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार उसने रुद्रवर्ती व्रत को किया है।
हे ऋषिवर, उस वैश्या ने इतनी श्रद्धा भावना से रुद्रवर्ती व्रत का अनुष्ठान किया है कि वह अपने पांच मोती के शरीर के साथ ही भगवान शिव शंकर के शरीर में लय हो गई, अर्थात उसको भगवान के शिवलोक में स्थान मिल गया। हे मुनिवर, जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो जो वस्तु की वो इच्छा करती है उसे वह निश्चित ही मिल जाती है। हे मुनिवर, अब माणिक्यवतियों के महात्म्य को आप सुन लीजिए। हे विपेंद्र, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। इस व्रत की विधि और इसके उद्यापन की विधि को मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। पार्वती जी के सहित भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित कर लेनी चाहिए। शिव प्रतिमा सोने तथा ऋषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन करके रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण में श्री शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए या उसको सुनना चाहिए। साथ ही भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, संकीर्तन करें। उसके पश्चात प्रातः काल में सविधि किसी भी नदी में जाकर स्नान करें, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी पायस और बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। हे मुनिवर, जो भी स्त्री इस व्रत का पूरी विधि से पालन करेगी उसको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसके घर में सदा सुख संपत्ति विराजमान रहेगी और उसको मेरे शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार श्री श्रावण मास महात्म्य के इस चौथे अध्याय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी से प्रसिद्ध रुद्रवर्ती व्रत और साथ में माणिक्यवतियों के व्रत के महात्म्य को सुनाया है, उसकी विधि को सुनाया है तथा साथ में ही सुगंधा नाम की वैश्या की कथा सुनाई है, जिसको केवल ऋषि वशिष्ठ जी के दर्शन करने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और उसने रुद्रवर्ती व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के अनुष्ठान से उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलोक की प्राप्ति हुई है। तो यहीं पर श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा आप अगले भाग में हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। श्री शिव महापुराण की कथा को भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाया जा रहा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। श्री शिव महापुराण की कथा को श्रावण मास में सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो इन सभी कथाओं को आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।